हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो? अपनी लास्ट वीडियो से पहले एक FPS हॉरर गेम को बनाया था, यार मुझे लगा क्यों ना यार उसी गेम को थोड़ा सा अपडेट किया जाए, क्योंकि उस गेम में सिर्फ खेलने को कुछ था ही नहीं, सिर्फ मैप ही था यार। उसी लिए यार मैं उसे दोबारा से बनाना शुरू करता हूँ। ये वाली वीडियो यार बहुत ही क्रेजी होने वाली है, तो प्लीज एंड तक बने जरूर रहना। चलो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद करते हैं हम वेट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ओपन होने में इतना टाइम लगा रहा था। 10 hours later. कब खुलेगा? 2 days later. जैसे ही हमारी यूनिटी ओपन हो जाती है, उसके बाद यार सबसे पहले मैं इसमें स्टार्टर एसेट पैक को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद इसमें से फिर ये 2 ट्यूटोरियल को फॉलो करके, यार ये कोड मंकी के ट्यूटोरियल से यार, इनको फॉलो करने के बाद यार मैं फाइनली अपने करेक्टर को सेटअप कर लेता हूँ। इन सबको सेटअप करने के बाद फिर मैं मिक्सिमो से जाकर यार गन होल्डिंग की एनिमेशन को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद उसे फिर अपनी यूनिटी पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद फिर यार मैं अपनी एनिमेशन को सेट कर लेता हूँ अपने करेक्टर के साथ। उसके बाद मेरा राइट क्लिक करते ही मेरा करेक्टर के जूम मोड और एम एनिमेशन प्ले हो रही होती है। मैं अपने प्लेयर के हाथ में एक गन को भी ऐड कर देता हूँ, और जिसके साथ वो बुलेट को शूट भी कर रहा था। शूटिंग बुलेट का यार मेथड भी यार उसी ट्यूटोरियल में है। अगर तुम लोग वो ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन में, वहां से तुम लोग उसे देख सकते हो। फिर मैं जब इसमें गन ऐड करके थोड़ी एनिमेशन को चेंज करता हूँ, उसके बाद ये अपने रंग दिखाना शुरू हो जाता है। अजीब तरह के यार बग्स आ रहे थे, कभी ये वाला बग। इसके बाद मैं कोडिंग से इसे थोड़ा ठीक करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद यार इसकी हरकतें कुछ ऐसी हो जाती है जैसे कि जंगल में मोर नाच रहे हो। मोर बनने के बाद फिर जी कुछ ऐसी हरकतें करने लग पड़ा, और इसके बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। इसके बाद फिर टाइम बीतता जा रहा था, फिर उसके बाद दिन बीतते गए, मैं हवा में उड़ता रहा। हाँ भाई, जो मैंने पीछे बात की उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, चलो भाई गेम पे ध्यान देते हैं। फाइनली यार कुछ समय की मेहनत के बाद फाइनली मैं अपने स्क्रिप्ट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, और बुलेट को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। स्क्रिप्ट को चेंज करने के बाद फाइनली यार जैसा मुझे उसकी मूवमेंट चाहिए होती है प्लेयर की, वैसे वो मूव करना शुरू कर देता यार, और मैं इतने में ही खुश था यार। अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और ये वाली गेम अगर तुम लोग औरों से पहले खेलना चाहते हो और मेरी टेस्टिंग में हेल्प करना चाहते हो, तो भाई देख क्या रहे हो, डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ क्लिक करो और मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करो। और इसके बाद मैं जैसे ही इसकी गन चेंज करता हूँ और इसका हेलीकॉप्टर बन जाता है। हेलीकॉप्टर 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 बनने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा और काम करता हूँ, जिससे कि इसकी थोड़ी कोडिंग को सीधा करता हूँ और साथ में इसकी एनिमेशन को भी फिक्स करता हूँ। इन सबको ठीक करने के बाद फाइनली यार मेरा प्लेयर बड़े अच्छे से मूव करने लग पड़ता है। मैं इसके कपड़े जाने की इसकी स्किन को चेंज कर देता हूँ फौजी स्टाइल में, थोड़ा सा कॉप दिखना चाहिए यार। उसके बाद मैं इसमें गन्स को ऐड कर देता हूँ, उसके हैंड के अमेचर में यार मैं उस पे फिर गन्स को भी ऐड कर देता हूँ। गन्स को ऐड करने के बाद फाइनली यार मेरा प्लेयर बड़े आराम से मूव कर रहा था। फिर उसके बाद थी इसको एक बैग देने की, यार एमो किसमें स्टोर करेगा यार, बैग में स्टोर करेगा ना, इसलिए यार मैं इसमें एक बैग भी दे देता हूँ इसको। और अब बारी थी इसके लिए एक एनिमीज को बनाने की। एनिमीज के लिए यार मैं इसमें चूज करने वाला हूँ ज़ॉम्बीज का। सबसे पहले तो मैं ज़ॉम्बी का AI बनाता हूँ। ज़ॉम्बी का AI मैं उसी तरह से बनाता हूँ जैसे मैंने अपने ओपन वर्ल्ड गेम में बनाया था। उसी तरह से मैं सबसे पहले बॉक्स लेता हूँ और उस पर नैममैश एजेंट डाल देता हूँ। उसके बाद मैं नैममैश को बेक कर लेता हूँ और साथ में करेक्टर कंट्रोलर भी ऐड कर देता हूँ। इन सबको ऐड करने के बाद एनिमी कंट्रोलर के स्क्रिप्ट यार मैं अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट से चुरा लेता हूँ यार। फिर मैं उसके बाद AI नैममैश से फिर उसका एरिया को बेक करता हूँ। फर्स्ट बार में एरिया वैसे बेक नहीं होता क्योंकि मैंने अपने एनवायरनमेंट को स्टैटिक और एवरीथिंग पे नहीं रखा होता। एवरीथिंग करने के बाद फाइनली यार मेरा एरिया बेक हो जाता है। बेक होने के बाद मेरा एनिमी क्यूब मुझे फॉलो करने लगता है। अब एनिमी AI की स्क्रिप्ट बड़े अच्छे से वर्क कर रही थी। अब बारी थी इसमें थोड़ी एनिमेशन और थोड़ा विजुअल्स लाने की। इसके लिए यार मैं जाता हूँ मिक्स में, उसे वहाँ से थोड़े से ज़ॉम्बीज़ के मॉडल को डाउनलोड कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद उन्हें फिर मैं यूनिटी में इंपोर्ट कर लेता हूँ। फिर मैं ज़ॉम्बीज़ की एनिमेशन को सेट कर लेता हूँ और उनको उसकी स्क्रिप्ट के साथ भी लिंक कर देता हूँ, ताकि वो उनके वॉक होने पे वॉक की एनिमेशन प्ले हो और अटैक करने पे अटैक की एनिमेशन। और इसी के साथ ही मैं इनके लिए ब्लड इफेक्ट भी बना लेता हूँ। ब्लड इफेक्ट को बनाने के बाद और इसके UI पे काम करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही इसका UI बन जाता है फिर उसके बाद मैं इसके मैप पे काम करना शुरू कर देता हूँ।
और भाई इस मैप को बनाने के बाद इसमें थोड़ी सी मैं पोस्ट प्रोसेसिंग को भी ऐड कर देता हूँ। उन सबको ऐड करने के बाद फाइनली यार हमारा गेम का पहला प्रीव्यू बनके रेडी था। और भाई तुम लोग वीडियो को देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है। और ये रही हमारी अब तक की प्रोग्रेस। Yeah!